हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोर्ड आपका होस्ट लेकर आया हूं जेक्वेरी वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होवर इवेंट के बारे में। होवर इवेंट जेक्वेरी में क्या है, कैसे ट्रिगर होता है और हम होवर इवेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ये चीज़ें सारे डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कोड शो करूं, कैसे हम कोड करते हैं इसको, मैं आपको जो एग्जाम्पल का आउटपुट होगा एंड आउटपुट वो मैं आपको शो करना चाहूँगा। एंड आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों जैसा आप ब्राउज़र में देख रहे हो। हम एक तरीके का एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट जैसे कि आप देख रहे हो पिज्ज़ा, डोसा, वेजिटेबल रोल, ऐसा करके कुछ एलिमेंट्स है। हम जो फंक्शनलिटी अचीव करना चाह रहे हैं होवर इवेंट का यूज़ करके, वो ऐसा कुछ है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट के एलिमेंट में अपना माउस को होवर करते हैं उसके ऊपर, तो वो एलिमेंट जो है जैसा आप देख रहे हो उसका बैकग्राउंड हाइलाइटेड हो गया है और वो जो एलिमेंट का टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। और साथ ही साथ जैसे हम होवर कर रहे हैं और हम एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करते जा रहे हैं अपने माउस का होवर पोजिशन, हमारे नीचे में जो हमारा प्राइस है कॉरस्पॉन्डिंग टू जो हम जिस एलिमेंट पे अपना माउस को होवर कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। जैसे कि अगर मैंने थाली पे होवर किया तो हमारा जो थाली का प्राइस बता रहा है 70, और वैसे ही जैसे मैं अगर वेजिटेबल रोल में माउस होवर करता हूँ तो हमारा प्राइस बता रहा है अभी 40। और ऐसे तरीके से हम एक तरीके से एक मेन्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम मेन्यू के कोई भी एलिमेंट में अपना माउस को होवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो मेन्यू का एलिमेंट हाईलाइट हो जाएगा और उसका जो प्राइस है वो हमें नीचे शो करेगा। तो इस तरीके का फंक्शनलिटी हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम होवर इवेंट का यूज़ करके कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक index.php फाइल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें अपना HTML जो बॉयलरप्लेट HTML है उसको इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट इंक्लूड किया है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे मेन्यू आइटम्स जैसे कि पिज्ज़ा, डोसा और जितने भी आप ऐड कर सको वो कर सकते हो आप। इसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्ट आइटम का वो ये है, जैसा आप देख रहे हो डाटा प्राइस। अगर आपको पता नहीं डाटा एट्रीब्यूट क्या है, ये एक HTML5 का फीचर है जो जिसका यूज़ करके हम कोई भी एलिमेंट में डाटा बाइंड कर सकते हैं या डाटा एसोसिएट कर सकते हैं उस एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिस्ट में कोई भी लिस्ट के एलिमेंट्स में डाटा जो कि होगा प्राइस हम एसोसिएट करना चाहते हैं तो हम डाटा एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। डाटा एट्रीब्यूट को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले डाटा और उसके बाद हाइफेन। दोस्तों, ये पार्ट कंपलसरी है, ये ऐसे ही लिखना है डाटा हाइफेन। उसके बाद ये जो आप प्राइस देख रहे हो ये हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मर्जी से नाम। मैंने इस केस में प्राइस रखा जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट था, आप कुछ दूसरा भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन जो डाटा हाइफेन है ये ऐसे का ऐसा ही है होना चाहिए क्योंकि ये कन्वेंशन है। दोस्तों, इस तरीके से हम HTML में डाटा एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने जो इंडिविजुअल डाटा एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैंने प्राइस जो हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट का प्राइस हो वो हमने इधर पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे हर लिस्ट एलिमेंट के साथ एक प्राइस एसोसिएट हो गया है। उसके बाद हमने नीचे jQuery लाइब्रेरी भी इंक्लूड किया और हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी, साथ ही साथ हमने एक नीचे पैराग्राफ भी इंक्लूड कर लिया जिसमें हम वो टेक्स्ट शो करेंगे उस एलिमेंट का जिसमें हमने होवर किया है उसका प्राइस। ऊपर में मैंने थोड़ा स्टाइलिंग भी प्रोवाइड किया है, मैंने लिस्ट एलिमेंट के जो फॉन्ट साइज है उसको मैंने 25 पिक्सल किया और मैंने इधर पे एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है हाईलाइट। हाईलाइट क्लास क्या करता है दोस्तों, जो बैकग्राउंड कलर है जो भी एलिमेंट के साथ हम हाईलाइट क्लास को ऐड करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर को येलो कर देगा और जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देगा, मतलब फॉन्ट का जो मतलब फॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा विजुअली। और जो हमने पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उसको हमने कलर प्रोवाइड किया रेड और उसका भी हमने फॉन्ट वेट प्रोवाइड किया है बोल्ड। तो इस तरीके से हमने थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड किया ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद हम चलते हैं अपना मेन कोड में जो है जावास्क्रिप्ट का कोड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होवर इवेंट क्या है। दोस्तों, होवर इवेंट वो इवेंट है जो तब ट्रिगर होता है जब भी हम कोई भी एलिमेंट के ऊपर माउस होवर करते हैं अगर हमने उस एलिमेंट के साथ होवर इवेंट को बाइंड किया है तो। अगर हमने कोई भी मान लीजिए हमारे वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें से हमने कोई भी किसी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स में हमने होवर इवेंट बाइंड कर दिया, तो अगर उन सेट ऑफ एलिमेंट्स पर हम अपना माउस को होवर करते हैं या माउस उस एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं तो हमारे होवर इवेंट ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन जिसमें हमने बाइंड नहीं किया होवर इवेंट को उधर पे ट्रिगर नहीं होगा, सिर्फ उधर पे ट्रिगर होगा जिस एलिमेंट्स के साथ हमने होवर इवेंट को बाइंड किया है। तो देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे लिस्ट एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। तो लिस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे क्योंकि इस केस में जो एलिमेंट सिलेक्टर है एलिमेंट है वो है लिस्ट, तो हम ऐसे लिखेंगे li। उसके बाद हम इस
जितने भी लिस्ट एलिमेंट है उसके सारे लिस्ट एलिमेंट के साथ हम होवर इवेंट को बाइंड करेंगे। उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे एच ओ वी ई आर। इस केस में दोस्तों हम ऑन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑन अगर हम यूज़ करेंगे होवर के केस में तो वहाँ काम नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ही काम करेगा डॉट होवर। उसके बाद हम एक पैरेंथेसिस इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर अपना एनोनिमस फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट पर होवर करें तो हमारा रन हो। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, जब भी हम कोई भी एलिमेंट के ऊपर होवर करें माउस, जैसा आप इधर भी देख सकते हो, तो हमारा जो एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड येलो हो जाए और जो फॉन्ट साइज है उसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए हमने क्लास, जैसे आपको मैंने दिखाया था, क्लास ऐड किया था जो था हाईलाइट, तो डायरेक्टली हम क्लास को ऐड कर सकते हैं जिस भी एलिमेंट में हमने माउस होवर किया है। तो इसको कैसे अचीव करते देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर करेंटली हमने माउस होवर करके रखा है। उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम डिस्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि लिस्ट एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, डिस्क सिलेक्टर उसी को सिलेक्ट करेगा या रेफरेंस करेगा जिसके ऊपर हमने माउस होवर करके रखा है एट करेंट टाइम। तो डिस्क यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिस्क डॉट ऐड क्लास, क्योंकि हम क्लास ऐड करना चाहते हैं जो है हाईलाइट, मतलब जब भी हम लिस्ट के ऊपर कोई भी लिस्ट एलिमेंट के ऊपर माउस होवर करेंगे तब हमारा एनोनिमस फंक्शन रन होगा और इसके अंदर डिस उस एलिमेंट को रेफरेंस करेगा जिसके ऊपर हमने माउस होवर करके रखा है और तब हमारा क्लास ऐड हो जाएगा जो है हाईलाइट। तो ऐसे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर हम क्लास का नाम प्रोवाइड करेंगे जो है हाईलाइट, एच आई जी एच फिर एल आई जी एस टी। अब हमारा क्लास ऐड हो गया। उसके बाद हम और एक चीज़ चाहते हैं कि पहले इसको करके देखते हैं कि हमारा क्या गलती है। इसको हम ऐसे करते हैं, तो इसको हम सेव करते हैं, उसके बाद ब्राउज़र में चलते हैं, आपको गलती पता लग जाएगा इससे क्या गलती है हमारा। इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, जैसा आप देख सकते हो हमने होवर किया और सारे एलिमेंट जैसे हम होवर करते गए येल्लो होते गए और दोबारा जब हमने माउस होवर करके फिर हटाया तो वापस येल्लो ही रहे, फिर दोबारा से वाइट बैकग्राउंड नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम फेस होगा अगर हम सिंपली यही कोड लिखते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए हम और एक कोड लाइन लिखेंगे जो सारे एलिमेंट्स का जो बैकग्राउंड पहले जैसा कर देगा, मतलब क्लास रिमूव कर देगा जिसके ऊपर हमने होवर नहीं किया है। पहले तो हम इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके एक्जैक्टली हम नीचे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, इसको पहले रिमूव क्लास करेंगे। अब अगर हम इसको सिंपल ऐसे करते हैं डिस डॉट रिमूव क्लास, तब भी हमारा कोड रन नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूँ क्यों, हमारा ना तो हाईलाइट हो रहा है ना तो सारे हाईलाइट हो रहे हैं, कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यही हमारा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम होवर कर रहे हैं हमारे क्लास ऐड हो रहा है और साथ ही साथ रिमूव भी हो रहा है, लेकिन हम जिस एलिमेंट पे होवर कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट क्लास ऐड करना चाहते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स पे हम हाईलाइट क्लास रिमूव करना चाहते हैं अगर एग्जिस्टिंग हमने ऐड करके रखा है तो। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट एलिमेंट को जिसके ऊपर हमने माउस होवर करके रखा है, डॉट सिबलिंग्स, उस एलिमेंट के सारे नेबरिंग लिस्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिबलिंग्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, एस आई बी एल आई एन जी एस। तो सिबलिंग्स फंक्शन दोस्तों क्या करेगा, जो दिस है जिसको रेफरेंस करेगा जिस लिस्ट एलिमेंट के, उसके एलिमेंट के जितने भी बगल में और भी लिस्ट एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा अगर हम सिबलिंग्स लिखते हैं तो, और सारे एलिमेंट्स पे अगर क्लास हमने ऐड किया है हाईलाइट, मतलब प्रीवियसली अगर क्लास ऐड हुआ है तो हाईलाइट क्लास को रिमूव कर देगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट ब्राउज़र में, इस बार हमारा काम करना चाहिए, जैसा आप देख रहे हो हमारा काम कर रहा है, हम जैसे होवर कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट के ऊपर वो हाईलाइट हो रहा है और बाकी सारे नहीं हो रहे हैं, असल में हो रहे हैं लेकिन जैसे हम माउस को हटाते हैं एलिमेंट से तो हमारा जो सिबलिंग वाला है लाइन वो रन हो जाता है और बाकी सारे एलिमेंट से वो हाईलाइट क्लास हट जाता है, सिर्फ हाईलाइट क्लास उसी में रहता है जिसके ऊपर हमने करेंटली माउस होवर करके रखा है। तो ऐसा हमारा ये फंक्शनलिटी अचीव हो गया, लेकिन हमने जो आखिरी में फंक्शनलिटी है जो प्राइस वो हमने किया ही नहीं है, वो चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें हम अपना प्राइस को स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम रखूँगा मैं एल आई वी ए एल, क्योंकि लिस्ट का वैल्यू होगा तो मैं ऐसे लिखूँगा। उसके बाद हम वैल्यू ग्रैप करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क का यूज़ करेंगे जो उस एलिमेंट को रेफरेंस करेगा जिसके ऊपर हमने माउस होवर करके रखा है। उसके बाद डिस डॉट, इधर पर हम एट्रीब्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डाटा डॉट प्राइस है, डाटा हाइफन प्राइस, वो एक तरीके से लिस्ट एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, तो उसको हम सिलेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और एट्रीब्यूट हमारा क्या है, डाटा हाइफन प्राइस। तो इससे क्या होगा, जो भी लिस्ट एलिमेंट में हमने माउस होवर करके रखा है उसका जो डाटा प्राइस वैल्यू है वो इधर पे
स्टोर हो जाएगा लिस्ट वैल्यू में। तो अगर हम नीचे फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पैराग्राफ में टेक्स्ट को डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं, तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है हमारे वेब पेज में, तो हम डायरेक्टली एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट हम चेंज करें, टेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, द प्राइस इज, फिर एक हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और प्राइस को इधर पे ऐड कर देंगे, इधर पे पेस्ट कर देते हैं और हमारा कोड रेडी है। तो इसको हम देखते हैं ब्राउज़र में, अभी हमारा प्राइस भी शो होगा जैसे हम एलिमेंट पे होवर करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, मैंने पिज्ज़ा पे होवर किया, जैसे होवर किया होवर इवेंट ट्रिगर हो गया और पिज्ज़ा का जो लिस्ट एलिमेंट है उस पर हमने क्लास ऐड कर दिया हाईलाइट, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो रन हो गया, जो कि है उस एलिमेंट के रिलेटेड जो डाटा प्राइस है उसका ग्रैब कर लिया, फिर पैराग्राफ में उसको डिस्प्ले कर दिया। और जैसे ही मैं इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे माउस होवर करता हूँ, तो हमारा उस सिबलिंग वाला फंक्शन ने क्या किया, पिज्जे के ऊपर जो भी हमने हाईलाइट क्लास ऐड किया था उस लिस्ट एलिमेंट में, वो क्लास रिमूव हो गया और इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली इसका भी प्राइस हमें नीचे शो हो रहा है, और ऐसे हमारा काम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना एग्जाम्पल जो है वो सक्सेसफुली रन कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इस jQuery सीरीज़ के जितने भी कोड मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारे डाउनलोडेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हो। थैंक यू।